बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुज़म्मिल एजाज़ और मुज़म्मिल एजाज़ .com में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से फर्स्ट पोस्ट लिख सकते हैं या फर्स्ट पोस्ट करते हैं ब्लॉगर के ऊपर। तो सबसे पहले पोस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है, वो है आर्टिकल। मेरे पास तकरीबन 5 से 6 मेथड हैं जिनसे मैं आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट कर लेता हूँ, और वो सारे यूनिक होते हैं। अगर आप वो मेथड सीखना चाहते हैं तो उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं। एक मेथड जो कि मैं यूज़ ज़्यादातर करता हूँ और बहुत पॉपुलर भी है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर को कम्प्लीट ओपन होता है। थोड़ी देर लगाएगा, ओपन होने में नेट स्लो है। तो यहाँ से कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश टू जर्मन ले सकते हैं, इंग्लिश टू और लैंग्वेज ले सकते हैं। अब मैं इंग्लिश टू जर्मन कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे ही लाइन बना के इंग्लिश टू जर्मन पे स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट क्या कि मुझे आर्टिकल चाहिए हेल्थ टिप्स की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्थ टिप्स, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देन आपने आना है यहाँ पे गूगल जर्मनी में। मेरे पास और भी तरीके हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, कभी इधर से नहीं भी काम करता, लेकिन मैंने तो हमेशा फ्री आर्टिकल लिए, कभी किसी को पे नहीं किया। तो यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, मैं ये दो ओपन कर लेता हूँ। कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, हेल्थ के ऊपर चाहिए। एक वेबसाइट को मैंने पकड़ा था और मैंने उसको सारा कॉपी कर लिया, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ये आ गया आर्टिकल जी। सेम अब यही प्रोसीजर आपने करना है, ये आर्टिकल आ गया, और अभी आपने दोबारा जाना है बैक इसे। अब हम जर्मन को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट ही नहीं हुआ, चलो कॉपी नहीं हुआ। अभी जाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, ये हो गया ट्रांसलेट। कॉपी करें इसे, आप पेस्ट कर लें यहाँ पे। यहाँ पे किसी और ने कॉपी ना की हो, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई और भी मेथड यूज़ कर रहा हो, तो आप चेक कर लें, ठीक है जी। SEO टूल का यूज़ जो ट्राई आपने करनी है कि आपके पास पेड कॉपी स्केप का हो, उसमें क्रेडिट होता है। आप 400 वर्ड का आर्टिकल एक क्रेडिट से चेक कर सकते हैं, दो अगर 400 के दो आर्टिकल कर लें तो एक क्रेडिट से वो भी काम चल जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट होने के बाद आपने थोड़ी ग्रामर चेकिंग भी कर लेनी है, ग्रामर चेकिंग के लिए भी टूल्स हैं आपने, ये वो कर लेंगे। चैलेंज यूनिकनेस स्टार्ट हो गई है, तो आपने अब करना क्या है? वो एक और तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अपनी मुझे रही, भाई ये कॉपी किसने करना है, जिसके बगैर काम नहीं चलना। ये कॉपी हो गया, किधर गया गूगल ट्रांसलेटर, और हटा उसको पता नहीं मतलब भी क्या बनता है। चले आपने इसे पेस्ट कर दिया, अब आर्टिकल आपने क्या काम करना है, देखें इसने आर्टिकल किस तरह से लिखा है। सेम आपने करना, ये देखें ये उसने थोड़ा पहला पैराग्राफ डाला, आपने इस तरह डाल देना। फिर ये जो आपने हेडिंग होगी ये आपने H2 कर देनी है हेड, फिर आपने भी वो अगर हो जाता है तो मैं आपको थोड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ले भाई
अभी ये देखें, एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये आप खुद भी ये लाइन गायब कर दें या इसको खुद रिप्लेस कर लें तो वो मसला नहीं है, लेकिन खुद भी थोड़ी हिम्मत करनी है। खैर, एक किस्म का ये फ्रस किया कि यूनिक आर्टिकल मेरे पास आर्टिकल आ गया और ये आ गया। अभी उसने पहला पैराग्राफ छोड़ा था और ये साफ बात है कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर मैं हेडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे भी हेडिंग कर देता हूँ। बाकी आपने थोड़ा कहते हैं ना कि पक्कू सा आपने आर्टिकल बनाना है और ये पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं। खैर, फर्ज़ किया कि अभी हमने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं, अगर किसी ने और मेथड सीखने हैं तो वो भी मैं हाजिर हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा की तरह। तो ये हमारा तकरीबन जो है आर्टिकल वो पब्लिश हो गया है, आपने अगर वो चेक करना है तो कर सकते हैं। ये वैसे मैंने एक टेम्प्रेरी तौर पे एक ब्लॉग बना दिया आपको पोस्ट करना, आपने तकरीबन इस मेथड से 10 से 20 पोस्ट कर लेने हैं, तकरीबन 30 पोस्टें हो गई तो ज़्यादा अच्छी, 20 से 30 पोस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप ये आर्टिकल भी सकते हैं। एक और जो चीज़ है आपने करनी है कि ऑन पेज जो इसकी ऐसी होती है वो भी थोड़ी मैं बता दूँ आपको, इस तरह ना हो कि फिर आप कहें कि भाई ने बताया नहीं, क्योंकि इस तरह होती है। अच्छा, ये कोई मेरा ऐसे आर्टिकल तो नहीं है आर्टिकल जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यह है कि मैंने ये अपने फ़न के लिए बनाई हुई है वेबसाइट को। यहाँ पे आपने जो टाइटल देना है, यहाँ पे आप वही डिस्क्रिप्शन दे दें, और आर्ट ये जो प्रॉपर्टीज़ है इमेज की, इसमें भी ये टेक्स्ट ऐड अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, कोई अच्छा सा इस तरह का रखे, आपने अच्छा सा प्यारा सा आर्टिकल बनाना है। इमेज के अंदर ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आकर डिस्क्रिप्शन, लेबल वगैरह, ये तमाम चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से आपने देनी है। और लेबल आपने इस तरह से देना है, टिप्स स्लैश एंड स्लैश टिप्स, इस तरह करके आपने देना, ताकि अंदर स्पेस ना, स्पेस आती है तो वो ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं होता, उसमें ये परसेंटेज 20 स्पेस की वजह से आ जाता है, तो ये ऐसी ऑप्टिमाइज नहीं चीज़ होती, डैश हो तो वो ऐसी ऑप्टिमाइज होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आर्टिकल लेना है। अच्छा, बहुत से लोग स्पिन भी करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, जो स्पिनर होते हैं वो तो आर्टिकल को मेरे ख्याल बेरा हर कर देते हैं, लेकिन कर सकते हैं, हर एक अपना प्रोसीजर होता है, आप अपने प्रोसीजर से भी चल सकते हैं, मकसद है यूनिक आर्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।